हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं अपनी वीडियो में कुछ नया लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरी देखें, कोई भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने वाली हूँ, जिस किसी के चेहरे पर झाइयाँ होती हैं और दाने होते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आई हूँ। वीडियो को पूरी देखना, जब भी आपके समझ में आएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो वीडियो आपके कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको नुस्खा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं सिर्फ ये जो नुस्खा मैं बता रही हूँ, दो चीज से बनेगा, एक मुल्तानी मिट्टी और उसके साथ में गुलाब जल। तो देखो, इसने दुकान पर से मंगवाई थी, क्या है, मुल्तानी मिट्टी। इसको सबसे पहले मैं गर्म पानी करूंगी, गर्म पानी में उसे उबाल लूंगी थोड़ी सी। इसका पेस्ट बनाना है, कटोरी में कर लू मैं। पानी भी मैंने ही रखा और इस पेस्ट को मैं अपने मुंह पे लगा के दिखाऊंगी तुम्हें। मेरे मुंह पर क्योंकि 2-3 दिन से दाने से निकल रहे हैं, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरा चेहरा, निखार सा आ जाएगा, तुम गुलाब के फूल की तरह ऐसे मुंह पर भी खिल जाएगा, मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा और भी बढ़िया। वीडियो में जो मैं एकदम गोरी चिट्टी लगूं, थोड़ी सी काली आ रही हो ना वीडियो। गुलाब जल लौटा के लिए फ्रिज में रख रखा। आज हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी हुई रखा थोड़ा सा, मुझे प्यास भी लग रही बहुत, ऐसे पानी भी पी लो, हमारा पानी भी नहीं आया जाएगा। आप सब भी पानी पियो, गर्मी बहुत हो रही है, सुबह के टाइम बारिश आई थी, अब हमारे यहाँ बारिश गर्म हो गई, पानी देखो गुनगुना हो गया हमारा पानी दोस्तों, गर्म हो गया है। मैं चल रही हूँ अपनी रसोई में, यहीं पे मैंने मुल्तानी भी डाली है, ये मुल्तानी देखो दोस्तों, मैंने मुल्तानी डाल दिया, ये बिल्कुल साबुन की टिक्की की तरह हो रही है अभी। और अभी 2 मिनट के लिए मुझे रखनी पड़ेगी, फुल लेगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही बढ़िया नुस्खा। और मेरी वीडियो में ऐसी बने रहना, कहीं मेरी वीडियो को छोड़ के मत जाइए, 2 मिनट का वेट करा, 2 मिनट के बाद मेरी वीडियो फिर से देखना। अरे मैं तो मच्छर भी बड़े काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरी मुल्तानी बहुत अच्छे से फूल गई है, ये रही, और मैं चलती हूँ कहाँ पर रसोई में। देखो दोस्तों, हमारी मुल्तानी मिट्टी अच्छे से फूल गई है और ये मैंने गुलाब जल लिया है, और मैं आज बहुत बढ़िया नुस्खा बताऊंगी। ये नुस्खा एकदम फायदेमंद है, गोरा चिट्टा कर देगा चेहरे को, जिस किसी का रिश्ता भी ना हो रहा है ना, उसका भी एक बार में रिश्ता हो जाएगा सर लगा के। अरे मैं सिस्ता तो लाई नहीं, सिस्ता भूल जाऊं। चलो मैं पहले इसमें गुलाब जल डाल दूं, फिर मैं सिस्ता भी लूंगी, रख लू सिला, यहाँ रख लू मैं। तो दोस्तों, मेरे मच्छर बहुत काट रहे हैं, 1 मिनट में मैं अभी आती हूँ अपने सिस्से लेके, मैं भी तो देखू अपना चांद सा मुखड़ा कैसा हो रहा है। थोड़ी सी मैं तो मुल्तानी मिट्टी खा भी लू, ठंडी रहे मुल्तानी, पेट के लिए भी बढ़िया रहेगी। एक लगा लू पहले। देखिए दोस्तों, मैं अपना सिस्सा ले आई हूँ, अब मैं पेस्ट बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी अपने चेहरे पर लगा के इससे कितना निखार आएगा और कितना ही मेरा चेहरा सुंदर हो जाएगा, गुलाब की तरह खिल जाएगा। अरे मम्मी मैं गिर गई। और बाकी का बचा हुआ जो भी बचा ना मेरा, यू क्या कहा ऐसा, क्या पेस्ट, इसे दोस्तों तुम ले जाइयो। वाह, गुलाब जल की महक क्या अच्छी आ रही है, इसमें गुलाब जल भी मिला लिया। देखिए दोस्तों, हमने गुलाब जल भी मिला लिया है इसमें, और ये अच्छे से मैंने बना लिया पेस्ट। 1 मिनट रुक जाओ, बना रही हूँ मैं इसे। देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट बन के तैयार है, अच्छा सा खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसे अपने चेहरे पर लगा के दिखाती हूँ, और पूछे रहेंगे और भी वीडियो बढ़ी आएगी, क्लियरिटी बढ़ेगी वीडियो की, और इसको हम हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं चेहरे पर। अरे भैया, अब मैं लगाने वाली हूँ, ऐसे लगाएंगे इसको कुछ इस तरीके से। मूंछ बन गई,
और किसी को जिस किसी को ये नुस्खा अच्छा लगे ना अपने घर पे जरूर करना। चले मैं लगा लूं बढ़िया सारे में चेहरे पे अच्छे से करके, मैंने सारे में लगा लिया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे अच्छे से करना है, हल्के हल्के हाथों से, कभी टाइट हाथों से कर दो, चेहरा नहीं तो हमारा लाल हो जाएगा। तो बिल्कुल सूख गया, आ गई आंख चमक रही दोस्तों मेरी, अब देखो और दांत चमक रहे। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप भी ट्राई करना अपने घर पर, मुल्तानी मिट्टी और उसमें गुलाब जल। और पीछे से संध्या देख रही, संध्या आ जा आ भी जा। तो दोस्तों मैं इसको 2 मिनट के लिए रखूंगी, इतने मैं पानी लिया घर पर से, इतना ही आपके रख दू। आज मेरे साथ पानी लेने चल रहे, गली में कोई डर ना जावे, नहीं ये कौन सा आ गई सफेद भूतली, थोड़ा देखो कर दूंगी कालू को डरूंगी, कालू को तारा हम आ गए हैं भूत बन कर, कालू कैसे देख रहा सामने बैठ के, कालू में कौन, कालू में कौन, हमने कालू को भी लिपकी लगा दिया, हमारा कालू भी खड़ा हो जाएगा। चलो पानी ले लूं मैं, थोड़ा सा बाल्टियां भर गए। आए काले अब इधर आऊंगी वाला मग्घा भी ले लो, चलो मुझे ना इससे ठंडा ठंडा भी लग रहा है चेहरे पर, अच्छा सा फील हो रहा है इसको लगा के। अब देखूंगी इसे हटा के, पहले गेट तो बंद कर दूं, अभी बाहर से देखे मुझे देख कर डर जाए सब। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने पेस्ट अपने मुंह पे लगा लिया है, अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी चेहरा धो के, देखना मैं बिल्कुल यूं करके दिखाऊंगी, देखना मेरा चेहरा कितना गोरा मिलेगा। इसको पानी भी लिया और ये रहा, पहले हाथ धो लो, हल्का पानी लगाएंगे पहले ऐसे करके मालिश के लिए, दोस्तों बहुत अच्छा नुस्खा है, चेहरा बिल्कुल एकदम चिकना होगा, गाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं तो सोचा मैं गोरी होगी है नहीं। अरे वाह देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट निकला है इसका, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट लगाया, आप अगर इसको 5 मिनट भी लगा सकते हैं, 10 मिनट भी लगा सकते हैं, और मेरे गाल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ठंडा फील हो रहा है मुझे अपने चेहरे पर। तो आप सभी को अगर मेरा नुस्खा अच्छा लगे तो कमेंट में बताना और अपने घर पर भी ट्राई करना, मुल्तानी मिट्टी और उसके बाद में गुलाब जामुन ज्यादा याद आई, आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन था ना, तो बस गुलाब जामुन रट रही, बस एक भी बार यूने कहा गुलाब जल, और हम इसमें वो नींबू भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनाया है और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप देखो मेरे चेहरे पर कितना निखार आ गया, ये रहा गोरी लग रही हूँ ना मैं, आप सभी को कमेंट में बताना। तो चलो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी को मेरा ये मुल्तानी का देसी नुस्खा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।